नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक आलोचना पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है रश्मि रथी एक पुनः पाठ। रश्मि रथी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कालजयी रचना है, उसी पर यह पुस्तक दिनेश कुमार ने संपादित की है। दिनेश कुमार का जन्म 25 जनवरी 1985 को बिहार के बक्सर जिले के कसिया गाँव में हुआ। वे प्रगतिशील आलोचना में परंपरा के मूल्यांकन का प्रश्न विषय पर एमफिल किया। उन्होंने अज्ञेय और मुक्तिबोध के साहित्य चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन इस पर पीएचडी की। 2012 से 2018 तक हंस में सृजन परिक्रमा नाम से स्तंभ लिखते रहे। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखा है उन्होंने। साहित्य के पारखी और आलोचक के रूप में अपनी स्थापना कि ललक उनमें रही है और वह चाहते हैं कि उन्हें इस रूप में जाना जाए। हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसमें वे सहायक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस पुस्तक का संपादन करते हुए उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है कि जो दिनकर हैं वे छायावादोत्तर काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। ये कोई नई बात नहीं, सभी लोग जानते हैं। इन्होंने दिनकर की तीन रचनाओं उर्वशी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया है और उनका कहना है कि उर्वशी की लोकप्रियता भले ही ज्यादा रही हो लेकिन उसको साहित्य समाज में वह प्रतिष्ठा नहीं मिली जो उर्वशी को मिली थी। अपनी बात रखते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी वजह शायद यह रहा हो कि जो जातिगत समीकरण स्वतंत्रता के बाद भारत का था वह ऐसा ना रहा हो जो रश्मि रथी को अपना सके। उनका कहना है कि जो प्रबंध काव्य होते हैं उनकी अपनी एक लोकप्रियता का पैमाना होता है और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती इस मामले में ऐसी कृति है जो रश्मि रथी जैसी लोकप्रियता हासिल कर। लेकिन लोकप्रियता के बावजूद जो प्रतिष्ठा वाला प्रश्न है उनका कहना है कि कुरुक्षेत्र और उर्वशी को वह प्रतिष्ठा मिली थी। प्रयोगवाद और नई कविता की बात करते हुए वो जातिगत विषमता पर आते हैं और यह कहते हुए इस बात का उल्लेख करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वह वर्ण व्यवस्था का समर्थक, वर्ण व्यवस्था का समर्थक वे बताते हैं रामचरितमानस को। और इस बात को रखते हुए वे यह कहते हैं कि रश्मि रथी जो है वह इस बात का प्रत्याख्यान करता है। क्यों? क्योंकि वह कर्ण के चरित्र को सामने रखता है। और इस बात को कहते हुए वे कहते हैं कि कम से कम दृष्टि के स्तर पर रामचरितमानस का वैचारिक प्रतिपक्ष रश्मि रथी। यह एक बहुत बड़ा बयान है। दिनेश कुमार उतने स्थापित आलोचक नहीं हैं कि वे तुलसीदास के रामचरितमानस पर ऐसा कोई निर्णय या निष्कर्ष दे सके, लेकिन अध्यापक हैं, लिखते पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी समझ से यह बात लिखी है। और इसको लिखने के पीछे उनका कहना यह है कि कर्ण के जीवन के 7 प्रसंगों को 7 सर्ग में रश्मि रथी में दिनकर ने लिखा है जिसमें पूरा कवि कौशल है। यह जो है कथा काव्य है और कथा काव्य के रूप में इसकी वर्णनात्मक भाषा है और इसलिए इस पुस्तक को आज के दौर में भी नए सिरे से देखा जाना चाहिए। अगर हम उनकी बहुत सारी बातों की बात करें जो उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका में लिखी है तो 1952 में प्रकाशित रश्मि रथी 2022 में केवल इसलिए प्रासंगिक हो सकती है कि तुलसीदास की वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थन में लिखी गई रामचरितमानस के प्रत्याख्यान के रूप में स्थापित हो सके तो यह बात हास्यास्पद है। फिर भी इस पुस्तक में उन्होंने जिस मेहनत से बहुत सारे बड़े लेखकों की रचनाओं को लिया है और केवल इसका संपादन किया है, यानी केवल भूमिका उन्होंने लिखी है, बाकी लेखन किसी और का है, कुछ और विद्वानों का है जो लोग वाकई निश्चित रूप से
हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है, जिसमें शंभुनाथ तिवारी का लेख है रश्मि रथी के पुनः पाठ से उपजे सवालों से टकराते हुए, रवि रंजन का लेख है रश्मि रथी की लोकप्रियता का समाज स्वास्थ्य, आनंद कुमार सिंह का लेख है आख्यान परंपरा में कर्ण का चरित्र, शंभुनाथ का लेख है कर्ण का मिथक, विजय बहादुर सिंह का लेख है सामाजिक न्याय का प्रश्न और पुरुषार्थता, बी आर विप्लवी का है दलित विमर्श वाया रश्मि रथी, सत्यकाम ने लिखा है रश्मि रथी एक दलित चरित्र काव्य, राजकुमार ने लिखा है जाति न पूछो साधु की, मैत्रेयी पुष्पा का लेख है उत्तर दो कुंती, चंद्रभान सिंह यादव का लेख है बिन ब्याही माँ की व्यथा और कुंती, रामेश्वर राय का लेख है सनातन और समकालीनता के क्षितिज पर फैला हुआ समय का रथ, राकेश मिश्र लिखते हैं कर्ण का नायकत्व और रश्मि रथी, राजेश मल रश्मि रथी सीमाएं और संभावनाएं, शिव कुमार राय ने लिखा है हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह कृष्ण नहीं दिनकर की हुंकार है, और डॉक्टर चंद्रभानु सिंह रश्मि रथी और दिनकर यह लेख उन्होंने लिखा है। पुस्तक के आखिर में लेखकों का पता भी है, उनका परिचय तो नहीं है लेकिन पता और नाम लिख रखा है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के छात्रों को रश्मि रथी को समझने की नई दृष्टि देती है, इस पे कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ रचनाकार आलोचक साहित्यकारों के लेख हैं और उनकी दृष्टि रश्मि रथी के अलग अलग प्रसंगों के बारे में क्या है यह जानने में मदद करती है। हिंदी साहित्य के छात्र या शोध छात्र या हिंदी साहित्य में और रश्मि रथी में रुचि रखने वाले, आधुनिक कविता को समझने वाले, प्रबंध काव्यों की भावभूमि को समझने वालों को यह पुस्तक खरीद कर पढ़नी चाहिए। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन, मूल्य है 299 रुपए और पृष्ठ संख्या है 238। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कोरोना का दौर है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी पुस्तकों को अपना दोस्त बनाएं, पुस्तकें खरीद कर पढ़ें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपके सामने मुखातिब होऊंगा, आपसे किसी एक पुस्तक की चर्चा करूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।